थोड़ा अजीब लग रहा होगा देखने में कि इसमें ड्राइवर ही नहीं बैठेगा, लेकिन और इसकी जो कीमत है लगभग लगभग अगर कतर की बात की जाए तो 2 मिलियन के आसपास होगा, मतलब 2 मिलियन रियाल, इसका मतलब इंडिया में अगर बात करेंगे 4 करोड़ 60 लाख रुपए के आसपास जाएगी इलेक्ट्रिक बस। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी, आप सभी का स्वागत करता हूँ जिनेवा मोटर शो में, और मैं एक ऐसी बस के साथ में खड़ा हूँ जो ऑटोनॉमस है, यानी कि आप इसमें बैठ जाइए, ड्राइवर की जरूरत नहीं, आपको आपकी मंजिल पर पहुँचा देगी, लेकिन अभी इंडिया में साकार रूप नहीं ले चुकी है। एशियन गेम्स चाइना में जो हो रहे हैं वहाँ पर ये चलती है और ये बहुत सक्सेसफुली अपना काम कर रही है कई सारे रूट पर। तो इस बस में क्या कुछ मिल जाता है, लगभग लगभग इसकी कीमत क्या होगी और कतर में ये क्या करने आए हैं, इसका भी जिक्र किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये दिखाना चाहते हैं कि भैया ये संभव है, ये पॉसिबल है, और यहाँ पर इसके बहुत सारे फीचर्स हैं उसको भी बताऊंगा, किस तरीके से आप इसकी सवारी कर सकते हैं, कितनी रेंज है, किस तरीके से बैठेंगे, कैसे आप इसे बुक कर सकते हैं अगर आपके देश में आ गई तो। लेकिन ऑटोनॉमस बस साकार रूप ले रही है और हो सकता है कि चीज़ें ऐसे बढ़ते बढ़ते आने वाले वक्त में हमें ऐसा ज़माना मिल जाए जहां पर हमें ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि बस आएगी सही, उसमें ड्राइवर नहीं होगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको सब कुछ इस बस के बारे में। तो चलिए आपको इस बस के अंदर लिए चलते हैं। ये बस ऐसे आएगी, अगर अपने आप चल के आएगी, मतलब जो कहीं कुछ समझ में नहीं आने वाला आपको, देखिए क्या लिखा हुआ है इन्होंने, क्योंकि कतर का के हिसाब से आए हैं यहाँ पर दिखाने, स्टेट ऑफ कतर, तो इसके अंदर जाना है, तो देखिए हाथ रख दिया, खुल गया ये, और ये आप आके बैठ जाइए। जब आप बैठेंगे यहाँ पर तो सबसे पहले बस देख लीजिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो एक बढ़िया टेबल, मतलब मैंने अपना बैग वैग लगा दिया है, देखिए ऐसे बैठ के यात्रा करते हैं कितना अच्छा लगेगा। पूरी बस आप देखें कितनी सीट है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10 लोग तो आराम से बैठ सकते हैं। बैठिए, लैपटॉप पे काम करते रहिए, टेंशन मत लीजिए, और ज़रूरत पड़ जाए तो इसे बटन को दबा दीजिएगा यहाँ पे, अगर कोई इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है तो इसे दबा दीजिएगा, सपोर्ट भी मिल जाएगा। और ये काफ़ी लग्जूरियस, मतलब एक बढ़िया विंडो के साथ में आप देखते हुए पूरे शहर का नज़ारा देखते हुए बिना किसी टेंशन के आप आगे बढ़ सकते हैं। और इसकी जो कीमत है लगभग लगभग अगर कतर की बात की जाए तो 2 मिलियन के आसपास होगा, मतलब 2 मिलियन रियाल, इसका मतलब इंडिया में अगर बात करेंगे 4 करोड़ 60 लाख रुपए के आसपास जाएगी इलेक्ट्रिक बस है। इलेक्ट्रिक बस है यानी कि जो रेंज है इसकी 100 किलोमीटर के आसपास है, पूरा ऐप के थ्रू ये ऑपरेट होगी और कोई और सिस्टम नहीं है इसमें। और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर, मतलब आप ऐसे बैठे, थोड़ा अजीब लग रहा होगा देखने में कि इसमें ड्राइवर ही नहीं बैठेगा, लेकिन ये चल रही है बस। तो यहाँ पर शोकेस थी जिनेवा मोटर शो में, तो मैंने आपको दिखाया, अगर देखेंगे तो ये सब कुछ, मतलब मुझे जो मिल रहा है इस पे कितने बैठ सकते हैं, इस पे देखिए 10 लोगों के जाना ना, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा भी हुआ है 10 लोग इस पे बैठ सकते हैं, सामान वगैरह साथ में रखिएगा, इस पे आपका रूट पूरा नज़र आता रहेगा। सपोज करिए आप दिल्ली में बैठे हो कहीं नेहरू प्लेस में और आप जा रहे हो इंडिया गेट, तो ऐसे नज़र आता रहेगा, रूट वगैरह पूरा यहाँ पर चलता रहेगा। और ये काफ़ी अच्छे से डिस्प्ले यहाँ पर किया है इन्होंने, इस साइड में देखेंगे तो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब आगे पीछे से पूरा का पूरा सीटिंग काफ़ी अच्छी दी गई है। अगर फ़ोन वगैरह चार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए पूरा सॉकेट इन्होंने बना के दिया हुआ है, आपका मोबाइल वगैरह भी चार्ज हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको सॉकेट भी मिल जाता है चार्जिंग का, तो उसकी दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें मैंने लगाई हुई चार्जिंग के लिए, यहाँ पर ऐसे रख दिया है तो यहाँ पर चार्ज भी हो रहा है, तो अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह है या कुछ और चीज़ है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आराम से आप बस में बैठिए, ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, उठाएगी लेके चली जाएगी। लेकिन ये एग्जैक्टली कैसे काम करती है, इसे जब कभी एक्सपीरियंस करूँगा, क्योंकि चाइना जाएंगे इसके लिए, और वहाँ पर आपको बताऊँगा कि इस बस में अगर आपको ट्रैवल करना है तो ये बस आपके घर पे आएगी, एक ऐप के माध्यम से ये पूरा का पूरा सिस्टम ऑपरेट होगा और आपके घर पर पहुंचा देगी। तो भैया ये बस कैसी लगी है मैं जानना चाहता हूँ, कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसी बसें हैं मतलब जिसमें ड्राइवर ही ना हो, क्योंकि ड्राइवर लोग बहुत परेशान करते हैं ना इंडिया में सबको, तो मुझे लगता है अगर बिना ड्राइवर के बस आएगी तो एक तो झंझट खत्म हो जाएगी, ड्राइवर साहब गंदे थे, तो ये शिकायत सबकी खत्म हो जाएगी। बस में बैठोगे आप, आराम से अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे, बात करना है किसी से करो, नहीं तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये दुनिया बहुत एडवांस हो रही है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो रही है। हालांकि इसका चार्जिंग का सिस्टम कैसे होगा, कहाँ पर चार्ज होगी, कैसे चलेगी, क्या इंडिया में आएगी या नहीं आएगी, इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी इन्होंने कुछ बताया नहीं है, बट ये कोशिश कर रहे हैं पूरी दुनिया में इसका प्रसार करने के लिए, इस वजह से ये कतर में आए हैं और इस बस को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। तो आपको कैसी लगी ये बस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब तो भैया हमारी यात्रा हो गई है पूरी, और इस बिना ड्राइवर वाली बस से मैं उतर चुका हूँ, और क्या आप चाहते हैं कि ऐसी बस आ जाए आपके देश में, कमेंट करके ज़रूर बताना, इंतज़ार कर रहा हूँ। हमारा ये वीडियो कैसा लगा इस पर भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसके बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर दी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पूरा मतलब इन्होंने इतनी जानकारी इस तरीके से यहाँ पर दी है, तो अगर कुछ चीज़ें मैं नहीं बता पाया आपको तो ये आप देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें इन्होंने दी हैं, कुछ फीचर्स दिए हैं। तो भैया अब आपकी बारी है कमेंट करने की, इंतजार कर रहा हूँ कमेंट बॉक्स में। जिनेवा मोटर शो के वीडियोस और आपने जरूर देखे होंगे, ये वाला वीडियो कैसा लगा अब आइए आप बताइए।